गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैं आपके साथ कुछ टिप्स लेके आया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, रेदर टॉपिक डिस्कस करूँगा, जिससे आप फटाफट समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहली चीज़, CBSE का जो एग्ज़ाम पेपर आएगा वो आपका आएगा NCERT प्लस CBSE के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब आप जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा NCERT प्लस पास्ट या CBSE के पेपर के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। इस दोनों में से आपको 70% पेपर आपको एज इट इज़ दिखाई देगा आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में। अब ये NCERT करना और CBSE के पेपर्स हम कैसे करेंगे, मैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के अपने वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा उसमें उसकी PDF फाइल भेज दूंगा। क्वेश्चंस भी होंगे और उसके सॉल्यूशंस भी होंगे, तो आपको सिर्फ वो PDF फाइल डाउनलोड करनी है और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सिर्फ NCERT और CBSE में से 70% कवर होगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरी चीज़, हमने एक टेस्ट लिया था अपने स्टूडेंट्स का परफेक्ट 100। इस परफेक्ट 100 के अंदर हमने पूरी की पूरी पार्टनरशिप कवर कर दी थी और लिमिटेड इसके अंदर नियर अबाउट क्वेश्चन थे 40। तो 40 क्वेश्चंस के अंदर पूरी पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं। ये प्लस इसके जो सॉल्यूशन हैं ये भी हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको इसकी भी PDF फाइल प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दो चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी वे में CBSE का पेपर क्रैक हो जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं सर कुछ क्वेश्चंस। बेटा ये मेरी इंट्यूशंस हैं और हर साल लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ भी जाते हैं, तो वो मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है, आप सब बच्चों को पढ़ना है सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस। तो ये मोस्ट हिट लिस्ट के अंदर है सिक्योरिटी प्रीमियम के क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसे फटाफट बात करते हैं, इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस आपको ज़रूर पढ़ने हैं। सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल। अब सर ये रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कुछ बात को समझिए। रिजर्व कैपिटल का मतलब, पहली चीज़, ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी मांगती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी बंद होती है, उस टाइम जब कंपनी आपसे पैसा मांगती है शेयर होल्डर से, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। दूसरा पॉइंट, क्या सर रिजर्व कैपिटल को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल? सो आंसर इज यस, अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्या सर रिजर्व कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में आती है? आंसर इज नो। तो मैंने आपको वन मार्कर क्वेश्चन बता दिया रिजर्व कैपिटल के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर हिडन गुडविल। लग रहा है इस साल हिडन गुडविल का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ज़रूर हिट करेगा CBSE के अंदर। हिडन गुडविल क्या होती है, एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं हिडन गुडविल। सबसे पहले एक पार्टनर है एक्स, एक्स की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, ये एक्स की कैपिटल है। दूसरा है वाई, वाई की कैपिटल है 80,000। एक नया पार्टनर आया जेड, तो जेड एक नया पार्टनर है और नए पार्टनर का शेयर है 1/4। और आगे ये भी लिखा है कि जेड की जो कैपिटल है, जेड की कैपिटल इसके अंदर दे रखी है, मान लेते हैं 75,000। तो ये है जेड की कैपिटल। अब आपसे बोलेंगे पास जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल। अब सर इस क्वेश्चन में गुडविल तो दिखाई दे नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। तो वो गुडविल कैसे निकालेंगे, आपके पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आप तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो। एक्स की कैपिटल है 1 लाख, वाई की है 80,000 और जेड की कितनी है 75,000। तो टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 1,80,000, ये आ गई 2,55,000।
255,000। दूसरा तरीका क्या होता है, Z की कैपिटल दे रखी है 75,000 और उसका शेयर रिवर्स करते हैं रेसिप्रोकल, 1/4 का रिवर्स कर दिया 4/1, इससे आ गया ये अमाउंट आ गया 3 लाख। तो हिडन गुडविल निकालने का एक तरीका ये है, फर्स्ट मेथड तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो, सेकंड मेथड जो नया पार्टनर है उसका शेयर रिवर्स करेंगे। अब ये दोनों ही तरीके से हमारी क्या निकल के आई है, टोटल कैपिटल, बट सर ये इक्वल नहीं आ रही, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ फर्म। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सर हिडन गुडविल हम कैसे निकालते हैं, दोनों कैपिटल्स को प्लस करेंगे। अब अगर उन्होंने कहा पास जर्नल एंट्री, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर Z का शेयर निकालना पड़ेगा। Z का शेयर कितना था, 1/4, तो 1/4 अगर हम करेंगे 45,000 का, तो जो अमाउंट आएगा उससे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की। और आप सबको पता है गुडविल की जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हिडन गुडविल का क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा एडवांस ले चलते हैं, एडवांस ये है सर Z की कैपिटल तो ठीक है, बात है X और Y की, ये कौन सी कैपिटल हमें लेनी है। बेटा आई रिपीट, थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग चला के चलना, X और Y की जो कैपिटल है हमें कौन सी लेनी है, ओपनिंग लेनी है, क्लोजिंग लेनी है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना है या बैलेंस कैरिड डाउन लेना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैपिटल्स लेनी है ये आपको हमेशा कौन सी लेनी है, CD कैरिड डाउन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ब्रॉट डाउन, उसके बाद रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है उसको प्लस कर दो, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, कोई जनरल रिजर्व दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, उनको भी हम सबको क्या करेंगे प्लस। फाइनली आएगी क्लोजिंग कैपिटल CD, वो CD को आपको यहाँ लिखना है, फिर आपको पता चलेगा हिडन गुडविल की हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपका। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स पेड इन एडवांस, यानी यहाँ पे लिखा मैंने कॉल्स इन एरियर्स और दूसरा लिखा मैंने कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 12% पर एनम। ये दोनों बातें कहाँ लिखी हैं, ये दोनों बातें लिखी हैं टेबल एफ किस चीज़ का, टेबल एफ होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ आपके लिए सिर्फ उतना ही रेलिवेंट है, इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके साथ ESOP, Employees Stock Option Plan, सिर्फ थ्योरी आनी है। इसके साथ एक और वर्ड है जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, दूसरा वर्ड है स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूं, स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 54 कंपनीज एक्ट, और ये सेक्शन कहता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, आंसर इज यस। बेटा शेयर्स कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया है कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये एकमात्र शेयर्स हैं जो कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। कौन सा सेक्शन कहता है, 54। क्या सर इसोब हो सकते हैं डिस्काउंट पर इशू, सो आंसर इज नो, सिर्फ कौन से हो सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये दोनों के दोनों शेयर्स हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को देते हैं, हम अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को देते हैं। तो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया,
स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं, सेक्शन 54। इसोप हम सस्ते देते हैं, बट इट्स नॉट अ डिस्काउंट। तो ये आपको मीनिंग बता दिया इम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को देते हैं। कुछ और भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके साथ साथ। बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है आपका डेथ के अंदर, डेथ के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर और उसका हमें प्रॉफिट निकालना होता है, जिसको आप सब बच्चे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो मैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। आपको ये देखना है, फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर्स थे पहले, इनकी रेशो थी 3:2:1। यहाँ से एक्स की डेथ हो गई, एक्स डाइड। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब एक्स की डेथ हो गई तो आपको क्या करना है, आपको एक्स का क्या निकालना है, शेयर इन प्रॉफिट। एक्स का शेयर निकालना है इन प्रॉफिट को। अब उस प्रॉफिट को जब हम निकालते हैं, फिर हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती थी प्रॉफिट निकालने की एंट्री। बट क्वेश्चन ये है, अगर अगर पार्टनर्स जो बचे हैं वाई और जेड, उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर ली, यानी सर क्वेश्चन ये है जो पार्टनर्स बचे हैं उन्होंने अगर अपनी रेशो चेंज कर ली, तब आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट तो निकालोगे और प्रॉफिट निकालने के बाद आप एंट्री करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये एंट्री करोगे आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस, मतलब मैं आपको एंट्री बताता हूँ, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो हमेशा याद रखेंगे डेथ के केस में जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हुई है। बट ध्यान रखना अगर रेशो भी चेंज हो गई है तो आपको क्या करना है, एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब सर इसमें अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट वही निकलेगा जो आपने यहाँ पे निकाला था एक्स का शेयर इन प्रॉफिट। वो कैलकुलेशन मैं अभी नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें मैं फिर आपके साथ कुछ 6-7 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक भेजेंगे उसमें से ज़रूर डाउनलोड कर लेना NCERT और CBSE के पास्ट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।